मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इसमें हमने एक ट्रेन का डिब्बा लिया है जो ऑलरेडी एक्सीडेंट था, इसे हमने डमी की तरह यूज़ किया है इस डिब्बे को, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर कोई ट्रेन की दुर्घटना हो जाती है तो उसमें जो गवर्नमेंट की सभी एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग रेलवे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, NDRF, ये सब किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। इसके लिए आज यहाँ एक मॉक ड्रिल की गई है। इसमें सबसे पहले सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स हैं उन्होंने रेस्पॉन्स किया। GRP और RPF ने रेलवे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जो ताकि वहाँ पर लोग ना आ सकें और उस जगह को हम सिक्योर बना सकें। इसके बाद रेलवे की ART और ARM भी व्हीकल का रेस्पॉन्स हुआ और साथ में NDRF टीम को कॉल हुआ। NDRF टीम एक स्पेशलाइज्ड रेस्पॉन्स के लिए होती है जो हमारे पास कटिंग लिफ्टिंग के सामान होते हैं और सर्च डॉग होते हैं। सर्च डॉग ने इन दोनों डिब्बों को सर्च किया कि कोई लाइव विक्टिम तो नहीं है, और लाइव विक्टिम्स को अब आपके सामने यहाँ निकाला जा रहा है। ये विभिन्न तरीकों से कटिंग की और लिफ्टिंग के मेथड्स होते हैं जिनसे इनको निकाला जाता है, और फिलहाल अभी हाई राइज मतलब अगर ज़्यादा ऊंचाई से होता है तो हम कम अलोंग, ये एक इक्विपमेंट है, इस कम अलोंग को निकाल लगा कर हम विक्टिम्स को सेफली उतारते हैं। ये NDRF की टीम गाजियाबाद में स्थित है, 8th बटालियन NDRF है जो गाजियाबाद में लोकेटेड है। हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 38 डिस्ट्रिक्ट्स का है जिसमें 33 डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न यूपी के 33 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और साथ में 5 डिस्ट्रिक्ट MP के हैं। तो ये हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नया फिक्स हुआ है। तो झांसी में हम पहली बार मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं 8 बटालियन की टीम। इससे पहले यहाँ 11 बटालियन NDRF हुआ करती थी और हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर दिया गया है। वैसे तो अभी यूपी में मतलब हमारे बटालियन की टीम ने जितने भी यहाँ पर हादसे हुए ट्रेन एक्सीडेंट सभी में रेस्पॉन्स किया है। मैंने स्वयं खतौली ट्रेन एक्सीडेंट में जब हुआ था उसमें मैंने रेस्पॉन्स किया था। इसके अलावा मैं मुरादाबाद, आगरा और झांसी, 3 जगह में मॉक एक्सरसाइज ऑलरेडी ट्रेन से संबंधित कर चुका हूँ। सर आज ये क्या कार्यक्रम है और ये क्या आज यहाँ ये क्या हो रहा है? आज ही हम लोग मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कर रहे थे क्योंकि रेलवे विभाग, सिविल डिफेंस, फायर, NDRF के साथ मिलकर के एक्सरसाइज ड्रिल कर रहे थे कि एट द टाइम ऑफ रियल एक्सीडेंट हम लोग में क्या कोऑर्डिनेशन रहे, कैसे होना चाहिए, तो इसलिए आज साइड पर एक दूसरे एक्सरसाइज हो रही थी। इससे पहले भी आप लोग इस तरह की एक्सरसाइज कर चुके? हाँ, करते रहे हैं लोग, रेलवे में हमेशा होता रहा है, पहले भी होता रहा है। तो NDRF की यूनिट सर आई कहाँ से? गाजियाबाद से आई है। गाजियाबाद, हाँ। तो अभी तक इस तरह के मॉक ड्रिल में अभी तक इस तरह की घटनाएं कितनी हो चुकी है जिसमें आपकी टीम ने सहयोग किया है? नहीं, हमारा तो रेलवे, मैं रेलवे से हूँ, रेलवे के अस्पताल की बात कर रहे हैं। हाँ। तरह की आपके उसमें कितनी ऐसी घटनाएं हो चुकी है? जहाँ जहाँ देखिए रेलवे का है, रेलवे फर्स्ट रिस्पॉन्सर होता है जहाँ भी होता है, और लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो जितनी भी घटनाएं होती हैं रेल में, कोई भी आग लगने, जैसे अभी हैदमपुर में हुई थी तो हम लोग पूरी टीम गए थे वहाँ पर, तो जो भी रेलवे रिस्पॉन्डर प्लस लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके सारा हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। यहाँ झांसी रेलवे डिवीजन में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के साथ जॉइंट कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज हो रही है जिसमें कि हमारे यहाँ कोई आपदा आती है, किसी तरह का डिरेलमेंट और कोच में फायर लगती है तो कैसे NDRF, सिविल डिफेंस, सिविल पुलिस और सबकी और रेलवे सब लोग मिल के कैसे समन्वय से उसको रिलीफ का कार्य करते हैं उसकी जो एक्सरसाइज चल रही है। यहाँ पर NDRF गाजियाबाद की टीम है हमारे पास और उसके साथ साथ सिविल डिफेंस झांसी की टीम है, हमारे पास सिविल पुलिस की है, चीफ फायर ऑफिसर की जो है फायर टेंडर है और उनके ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे रेलवे के सारे डिपार्टमेंट्स की टीम है और हमारी जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन भी लाई गई है, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन भी लाई गई है, और इसमें वो एक्सरसाइज जो है जिसमें हमें देखना है कि हमारा समन्वय कितना बेहतर होता है उसकी एक्सरसाइज चल रही है। ये एक रेल